अब आगे पढ़ेंगे अलील। देखिए क्लासिकल जेनेटिक्स का ही क्या है सब उसी में आता है। क्लासिकल जेनेटिक्स में उसी का उस सब वही सब का पॉइंट है। जैसे बताया है रिवर्स जेनेटिक्स बता चुके हैं और फॉरवर्ड जेनेटिक्स और क्या होता है जीन बताया है और क्या होता है टर्मिनोलॉजी बताया है और क्या होता है ट्रेड बता चुके हैं क्लासिकल जेनेटिक्स में। फिर बताया है क्लासिकल जेनेटिक्स कोई क्या है नया जेनेटिक्स ही है। पहले क्या था नाम जेनेटिक्स ही है ठीक। तो जेनेटिक्स के अंदर ही आता है क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर ये सब पॉइंट आता है एलील। अब आगे सिक्स्थ पॉइंट है एलील या बोलते हैं एलोमॉर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलीलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं युग्म विकल्पी। देखिए एलील होता क्या है एलील या एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। ये क्या होता है कोई भी मान लो कोई भी जीन है उसी को एलील बोलते हैं। बस ये जीन को दर्शाने का कोई मान लीजिए ये तरीका है ठीक। ये तो ये जैसे डीएनए का दर्शाने का ये तरीका होता है। डीएनए इस तरह का दर्शाते हैं कि भाई ये चलो डीएनए है ठीक। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि भाई कोई जीन को दर्शाने के लिए इस तरह का ये तरीका का बना रहा है बस। तो एलील क्या होता है जीन का दो अलग अलग रूप होता है। जीन का क्या होता है मान लीजिए क्या है ये जीन है कोई तो दो अलग अलग रूप मान लीजिए क्या हुआ ये भी क्या हुआ जीन है। जीन में एक जीन में दो एलील पाया जाता है। देखिए हमेशा जब भी ये जीन बोलेंगे समझ लीजिए इसमें दो एलील होगा। ये जीन है एक क्या है ये जीन है क्या होगा इसमें दो एलील पाया जाएगा। जब भी जीन बोलेंगे समझ लीजिएगा दो एलील पाया जाता है। तो जीन में हमेशा क्या होता है हमेशा पेयर में होता है एलील। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए जीन के क्या है जीन के दो अलग अलग स्वरूप को क्या बोलते हैं एलील कहा जाता है या हिंदी में क्या बोलते हैं युग्म विकल्पी। एलील को ही क्या बोलते हैं युग्म विकल्पी। जीन के दो अलग अलग स्वरूप को ही क्या बोल रहे हैं एलील बोल रहे हैं। मान लीजिए क्या है जीन है तो जीन के अंदर देखिए दो एलील अलग अलग स्वरूप है दो अलग अलग टाइप का है ठीक। तो क्या हुआ ये लेकिन देखिए आकार सेम है इसमें सेम साइज का है सेम आकार का है कि नहीं। ऐसा तो थोड़े ना कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे ठीक। तो ये क्या हुआ इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी देखिए समझाते हैं। अब इसमें एग्जांपल देते हैं कैरेक्टर का गुण का कौन सी गुण किसका ले रहे हैं प्लांट का कोई भी कैरेक्टर ले रहे हैं। क्या कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट का ले रहे हैं मतलब प्लांट का क्या ले रहे हैं हाइट का ले रहे हैं कि भाई कितना लंबा है कितना छोटा है वही उसी को हाइट बोलते हैं ठीक। ऊंचाई में कितना है कोई पौधा तो प्लांट का हाइट या तो दो टाइप का होता है तो बहुत बड़ा होता है क्या है वो छोटा होता है ठीक। या तो बड़ा होता है जिसको टॉल बोलते हैं छोटा है बौना क्या छोटा क्या बोलते हैं बौना ही बोल सकते हैं बौना जैसे भुट्टा जिसको बोलते हैं ज्यादा नहीं बड़ा होता है तो ड्वार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्वार्फ माने बौना होता है टॉल माने लंबा होता है ठीक। अब देखिए तो हमेशा हम कल बोले थे जो ताकतवर हो जो क्या हो हम बोले थे ना कल इस पिछले घंटों में सके लेक्चर थर्ड में कि जो क्या हो ताकतवर हो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं ठीक। और जो कम ताकतवर हो जिसको समझ बोल सकते हैं कमजोर हो उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कल तो बोल रहे थे बता दिए ये हमेशा बार बार आएगा इसको समझ लीजिए कि जो डोमिनेंट होता है जो प्रभावी होता है वो किसको कैसे लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो क्या होता है रिसेप्सिव होता है जो कमजोर होता है जो अप्रभावी होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं ठीक। अब देखिए एक लिए पौधा का ही क्या है गुण ले रहे हैं तो गुण ये भी तो हाइट तो क्या गुण ही तो है ठीक। दूसरा क्या लिए है अब फल का या बोल सकते हैं बीज का आकार लिए हैं सीड शेप या बीज आकार बोलते हैं। तो बीज का आकार लिए हैं तो आकार दो ही टाइप का होता है एक होता है गोल एक होता है झुर्रीदार। झुर्रीदार जैसे मटर कभी देखे होंगे मटर देखे होंगे एक पूरा गोल होता है ठीक इस तरह का गोल होता है एक होता है इस तरह का ये तो ये क्या हुआ राउंड हुआ ठीक ये गोल हुआ ये क्या हुआ इसको झुर्रीदार बोल सकते हैं ठीक या बोलते हैं रिंग कर्ड बोलते हैं इंग्लिश में ठीक। तो सीड शेप लिए मान लीजिए एग्जांपल में कैरेक्टर में लिए हैं सीड शेप तो बताइए सीड शेप का दो ही शेप हो सकता है या तो राउंड होगा या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। तो राउंड होके देखो राउंड को किससे लिखे राउंड माने आर माने आर ओ यू एन डी राउंड आर कैपिटल लेटर हुआ देखिए तो आर लिए राउंड कैपिटल लेटर ठीक। और झुर्रीदार है रिंकल तो यहाँ डबल से होता है रिंकल लेकिन स्मॉल आर से दर्शाते हैं क्यों क्योंकि दोनों क्या है सीड ही है दोनों सीड ही है दोनों जब एक ही जाति का हो तो हमेशा सेम लेटर से दर्शाते हैं लेकिन एक स्मॉल एक कैपिटल ठीक। आज हमने देखिए यहाँ ये बस समझ जाए कि राउंड मैंने आर लिया है यहाँ कैपिटल यहाँ डब्लू है रिंकल में
क्या था, डब्ल्यू से लेना चाहिए स्मॉल आर लिया है, नहीं स्मॉल आर नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं लेंगे स्मॉल आर ही लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बीज ही, एक ही बीज है, तो एक बीज क्या है गोल है, एक बीज क्या है जुड़ीदार है, ठीक, बस इतना ही समझाना था। ये तो पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें क्या बताए थे, जिम में बताए थे, जिम में कैपिटल लेटर से क्या बताए थे भाई, कि जो ज्यादा प्रभावी हो उसको कैपिटल से, जो ज्यादा कम प्रभावी हो उसको कम, बोलो कमजोर हो उसको स्मॉल से दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये यहीं तक समझ लीजिए कि भाई एलील होता क्या है, जीन का दो अलग अलग स्वरूप होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ समझाते हैं सही से कि भाई जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। ये मान लीजिए कोई दो एग्जांपल लिए, तो बताइए ये जो है इस पर जो लिए हैं इसे, ठीक है ना, तो ये क्या है जीन है, तुमको समझना चाहिए भाई क्या ये क्या है जीन है। तो जीन क्या है, देखो जब भी देखो जीन ये क्या है जीन है, अब ये दोनों एग्जाम्पल ले लो, ये यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कैपिटल ए, इसमें लिखे हैं स्मॉल ए, इसमें लिखे हैं इसके नीचे एक ही क्या है, एक ही इसी एलील में लिखे कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक। तो ये क्या है एक जीन है, ठीक, तो इसको बोल सकते हैं आराम से क्या क्रोमोसोम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होता है होमोलोगस एक होता है हेट्रोलोगस, ठीक। यहाँ पे समझाना क्या है होमोलोगस के बारे में, देखिए तो होमोलोगस क्या होता है ये क्या है, अब बता जरा कि भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है एलील है कि नहीं बताएंगे, ये दोनों क्या है ये जीन है, एक जीन में दो एलील पाया जाता है, एक क्या है एलील है, ठीक। ये भी क्या होगा एलील होगा, क्या होगा ये दोनों में क्या होगा एक एलील होगा, ठीक, लेकिन ये क्या होगा एक जीन होगा, ठीक। तो एक जीन में दो एलील पाया जाता है, ठीक, ये समझ लीजिए, ये क्या समझ लीजिए क्या है ये जीन है, एक जीन में दो एलील पाया जाता है, यहां पे देखिए एक क्या है ये जीन है, ठीक, एक जीन में दो एलील पाया जाता है, वही परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे, जीन के दो अलग अलग स्वरूप को क्या बोल रहे हैं एलील बोल रहे हैं, ये जीन है जीन के दो अलग अलग स्वरूप है, ठीक, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए वाला है, सॉरी हाँ एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या है दो अलग अलग स्वरूप है कि नहीं, इसको क्या बोले एलील बोले, वही परिभाषा लिखा हुआ है जीन के दो अलग अलग स्वरूप, जीन है ठीक के दो अलग अलग स्वरूप, देखिए दो अलग अलग स्वरूप कैसे हुआ, क्योंकि एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए रख रहा है, ठीक, इसलिए क्या बोले दो अलग अलग स्वरूप को क्या बोल रहे हैं एलील या युग्म विकल्प, युग्म हिंदी में अच्छा मीनिंग करता है, युग्म युग्म माने क्या, युग्म मतलब क्या होता है भाई, युग्म मतलब होता है पेयर जोड़ा होता है, मतलब हमेशा जोड़ा में हो हमेशा दो में हो, देखो तो युग्म क्या है, तो एलील हमेशा युग्म पाया जाता है, एलील हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, तो समझ में आया परिभाषा, समझ में आया परिभाषा, समझाने के लिए परिभाषा अधिक लिखे हैं एग्जाम्पल, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक ही एलील में यदि दो अलग अलग पाया जाता है, दो अलग अल्फाबेटिक का कोई नंबर पाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं उसको, उसको नॉन एलील, भाई कोई एलील ही नहीं है, क्या है ये कोई एलील ही नहीं है, ठीक, आया समझ में, तो ये क्या है नॉन एलील, यहाँ पे लिखे हैं नॉन एलील, ये कोई भी एलील नहीं है, ठीक। तो बताइए यहाँ पे वही बात है, इसका कोई एलील इसका एलील, ठीक, तो ये तो दोनों अलग अलग जीन है ना, दो अलग अलग जीन जब है उसमें बोले कोई एलील एलील है कि नॉन एलील, क्या बोलेंगे भाई ये क्या है नॉन एलील, तो यहाँ ये दोनों क्या है एक ही एलील में दो क्या पाया जाता है एलील नहीं पाया जाता है, इसलिए बोले एक एलील में कोई कोई कैपिटल लिखा लिखा हुआ है कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, वो क्या होता है नॉन एलील होता है, ठीक। यहाँ भी क्या है ये दो अलग अलग जीन है, यहाँ क्या समझ लीजिए दो अलग अलग एलील है, ठीक, तो दो अलग अलग एलील जब रहे समझ लीजिए क्या है नॉन एलील है या तो कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखिए ये क्या है एक जीन है, एक जीन में दो एलील पाया जाता है, यहाँ क्या होगा दो एलील, ये भी दो एलील रखेगा, ठीक। तो बताइए क्या होगा ये दोनों क्या होगा, ये कि दोनों होगा नॉन एलील, देखो भाई ये जेनेटिक्स है, जल्दी जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक, इसको बार बार कम से कम ये दो बार पढ़ना होगा, कम से कम साल में दो बार जेनेटिक्स को जब रिवाइज नहीं करेगा जब तक तब तक नहीं समझ में आने वाला है ये जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हम पहले ही बोल चुके हैं क्लास में क्या मैथ मैथ की तरह है, ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है घटना नहीं होता है भाई,
यही एक चैप्टर ऐसा है ट्वेल्थ का कि समझना मस्ट है, बहुत जरूरी है समझना। ठीक, तो समझ में आया, यही समझा रहे थे भाई, क्या है एक जीन है। ठीक, तुम देखो यहाँ लिखा हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ कुछ और लिखा हुआ समझा रहे कुछ और, लेकिन हमको समझाना क्या था, एक जीन में दो एलील पाया जाता। अब समझाना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा हुआ है क्या होता है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि होमो मतलब क्या, यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, देखो होमो मतलब होता है समान, क्या होता है समान, मतलब सेम स्थान, सेम लोकस, लोकस मतलब स्थान, तो होमो मतलब समान। ठीक, लोकस लोकस मतलब क्या होता है स्थान। ठीक, लोकस या बोलो लोकस, ठीक, तो दोनों एक ही है, तो होमो लोकस क्या होता है एक ही स्थान पर। तो देखो ये क्या है कैपिटल ए, यहाँ क्या है स्मॉल ए। ठीक, तो स्थान देखो एक ही है, स्थान एक ही है, स्थान कैसे एक ही है क्योंकि ये भी इसी हाइट में है, ये भी इसी हाइट में है, दोनों क्या है यही तो है, इसलिए बोलो इसलिए क्या बोले होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन फर्क किसका है स्मॉल और कैपिटल का फर्क है सिर्फ, इसलिए तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का नहीं लेंगे, यहाँ पे देखेंगे भाई ये जीन का, ये जो एलील है, एलील का आकार कितना बड़ा है, ये माया है होमोलोगस। यहाँ पे एबीसीडी का फर्क मत देखना, क्या देखना है कि भाई एलील जो है, ये एलील जो है इसका हाइट सेम है कि नहीं, इसका हाइट सेम है कि नहीं, ये दोनों क्या है, देखो दोनों सेम है, दोनों सेम के आकार का है, तो यहाँ पे ए और बी ये नहीं बताता है कि क्या है ये बड़ा है या छोटा है, नहीं, सिर्फ ये अब देखना होगा अपने आंख से देखना होगा कि इसका आकार जब भी होमोलोगस जब भी आए होमोलोगस क्रोमोसोम समझे क्या, इसका स्थान सेम होना चाहिए, इसका आकार सेम होना चाहिए, पोजीशन जिसको बोलते हैं इसका पोजीशन सेम होना चाहिए, पोजीशन जैसे ऊपर ये है तो यहाँ भी क्या है ऊपर में ही ये है, यहाँ भी है नीचे में भी है, नीचे में यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए बोले क्या ये होमोलोगस है, दोनों क्या है एक ही स्थान पे है। ठीक, यहाँ भी देखो वही चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये बताता है कि भाई ये क्या है, इसमें इस एलील बड़ा है, ये प्रभावी है, ये ताकतवर ज्यादा है, यहाँ पे क्या समझना हमको होमोलोगस, होमोलोगस का क्या मतलब होता है इसका कि दोनों का देखो जीन क्या है, जीन सेम होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, उसका पोजीशन बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन देखो यहाँ पे क्या, तो कैपिटल टी देखो यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी स्मॉल टी है, तो दोनों क्या है दोनों एक ही स्थान पे तो है आखिर, और दोनों क्या है टी ही है, यहाँ भी देखो डी कैपिटल डी यहाँ पे स्मॉल डी, तो है तो दोनों डी ही, और दोनों देखो सेम स्थान पे है ना, दोनों सेम स्थान पे है, दोनों का आकार देखो सेम है ना, जब दोनों का आकार सेम हो, साइज सेम हो, पोजीशन सेम हो, ठीक, दोनों फंक्शन एक ही कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम।